नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD ट्यूटर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो कल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका CET मेंस का लगभग 25,000 पदों के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उसके बारे में जो इंटरेस्टेड है वीडियो को देख सकते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए साथियों, रिजल्ट में अगर आपको लग रहा कोई गड़बड़ है या आपके नंबर ज़्यादा थे, आपका नहीं हुआ, या कोई सर्टिफिकेट को लेकर इशू है, आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल था उसको इनएलिजिबल बताया गया है, या कोई भी इशू आपको रिजल्ट में है, तो आपके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। एक लिंक भी प्रोवाइड किया है, ग्रीवियंस लिंक। उस लिंक पे जाकर जो है आप अपनी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर डाल सकते हैं और एक वीक के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। पब्लिक नोटिस है वो भी पढ़कर बताऊँगा। और जो लिंक है, जिस लिंक पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उस लिंक से जाकर डायरेक्टली आप अपनी अपनी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर बता सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम आप डाल सकते हैं। दूसरी बात, इस काम को आप आराम से करें, रिलैक्स होकर करें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है रिजल्ट की XYZ, तो आप उस लिंक पर जाकर डाल सकते हैं। पब्लिक नोटिस है दैट द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी अंडर CET बेस्ड एडवर्टाइजमेंट ऑन 17th of October 2024. The commission has specially constituted a grievance committee for resolving the grievance related to the result. Therefore, this is for the information of the candidate that if any he or she may raise the same through the online link providing the result notice instead of taking the legal route, the Haryana Staff Selection Commission is duty bound to redress any such genuine grievance at its level in view of the objective of Haryana State Litigation Policy 2010. All genuine grievance received by the commission shall be resolved within 3 weeks. माफ कीजिए, वीक के अंदर नहीं, विद इन 3 weeks, यानी कि 21 दिन के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व करने का यहाँ पर सेक्रेटरी ने दावा किया है। ग्रीवियंस कमेटी बना दी गई है, उस लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो भी आपको इश्यूज हैं आप उस लिंक पे जाकर अपनी प्रॉब्लम सबमिट करा सकते हैं, 3 वीक के अंदर आपका सोल्यूशन इसमें हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।